प्लीज़ गाइस आते टाइम क्लीनर मत आया करो, मतलब ट्राई करो कि दूसरा कोई पोजीशन। थोड़ा 50 साल उम्र का बंदे लोग यहाँ पे काम करते क्लीनर में ना, तो आप लोग गाइस हाउ आर यू, आई होप यू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अभी जस्ट मैं ब्रेक से आया हूँ तो मेरे को ऐसा बहुत कोई ऐसा कॉमेंट करता है जो यहाँ पे क्लीनर का सैलरी कितना है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पे क्लीनर का सैलरी कितना है। तो गाइस क्लीनर का सैलरी है ना, पहले एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या मतलब, बांग्लादेश और नेपाल से जो लोग आते हैं क्लीनर में वो लोग का एक कहानी सुनाता हूँ। बांग्लादेश से आता है 6-7, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख पैसा भर के आता है क्लीनर में, मतलब 9 लाख पैसा भर के क्लीनर में आता है, कमाता कितना 9 लाख पैसा भर के आने के बाद। तो गाइस ये सुनोगे ना तो जो आप बांग्लादेश से वीडियो देख रहा है, जो इंडिया से देख रहा है, तो इंडिया से इतना नहीं आता है, आता है क्लीनर में बहुत आता है ये तो मैं मानता हूँ, बट इंडिया से थोड़ा कम मैं देखा, जो रियलिटी देखा वो बता रहा हूँ गाइस। तो इंडिया से थोड़ा जो आता है वो पैसा वैसा कम भरता है, बट जो बांग्लादेश से आता है वो कितना भरता है मालूम है आपको? 90 KD, मतलब 90 KD सैलरी के चक्कर में 7-8 लाख बहुत होता है गाइस, थोड़ा मतलब छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत होता है। इंडिया का फिर भी 7 लाख होगा, बांग्लादेश का तो इंडिया का समथिंग हो जाएगा फिर भी 5-6-7 लाख, मतलब 5 लाख पकड़ लो अगर 7 लाख बांग्लादेश का ही, तो इतना KD पैसा भर के आता है कहाँ, कुवैत काम करने के लिए, और कमाता कितना 90 KD, तो 90 KD में कितना अब समझ सकते हो, 90 KD कितना होगा, 24,000 इंडिया का, मतलब बांग्लादेश का 30,000 जैसा, 30,000 12 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद इतना कमाता है। तो यहाँ पे क्लीनर सैलरी जो भी पूछता है ना, ऐसा बांग्लादेशी रहता है, इंडियन भी रहता है, ऐसे इंडियन का भी बहुत ऐसा है जो आता है क्लीनर में, तो फिर भी इंडियन है थोड़ा मतलब, हाँ चलो कोई पोजीशन, बट यहाँ पे जो देखता हूँ ना ऐसा नेपाल का देखता हूँ जो बहुत ऐसा है, पाकिस्तान का देखता हूँ जो यहाँ पे ऐसा कैसा करके रह रहा है। तो गाइस कभी भी आ रहे हो, मैं एक ही पहले सलाह देता हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो क्लीनर के बारे में वीडियो बना रहा हूँ जो यहाँ पे सैलरी कितना देता क्लीनर को, बट प्लीज़ गाइस आते टाइम क्लीनर मत आया करो, मतलब ट्राई करो कि दूसरा कोई पोजीशन, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, किसी मतलब किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा, कोई भी टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा नो प्रॉब्लम, बट एक्सपीरियंस ले लो गाइस। 50 साल उम्र का बंदे लोग यहाँ पे काम करते क्लीनर में ना, तो आप लोग जब देखो जब 50 साल का मतलब आदमी या 55 का उम्र का आदमी यहाँ पे क्लीनर में काम करता ना, तो आप बोल भी नहीं सकते भाई ये क्लीन कर दे वो क्लीन, बोल भी नहीं सकते, मतलब ऐसा ख़राब लगता है वो लोग को देख के। तो वो लोग क्या करें, वो लोग भी मजबूरी में यहाँ पे फंसा हुआ है। तो आप लोग जब भी आ रहे हो गाइस क्लीनर में, मतलब ट्राई करो कि क्लीनर में मत आया करो, दूसरा पोजीशन लेके आओ, कोई भी होटल हो या कोई भी चीज़ तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्लीनर का सैलरी कितना पहले बता देता हूँ, अगर अच्छा कंपनी है तो 190 KD तक जैसा सैलरी रहेगा, या 125 तक मिल जाएगा क्लीनर को, या 200 KD तक मिल सकता है क्लीनर को, कंपनी मतलब अच्छी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है तब मिल सकता है इतना KD सैलरी। अगर वो कंपनी का नाम बता दिया तो लग रहा है मेरे ऊपर मतलब बैन हो सकता है या और कुछ हो जाएगा, वो कंपनी का नाम बता दिया जो कितना सैलरी है वो कंपनी में, वो कंपनी में सिर्फ कितना मालूम है, 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद 90 KD सैलरी है। 90 KD इंडिया का कितना होता है मालूम है? वही 24,000 बोल दिया मैं, 24,000 भी लग रहा होता नहीं, कम ही होगा लग रहा है, 24,000 सैलरी 90 KD इतना, मतलब अगर इंडिया से आ रहे हो तो आप 50,000-60,000 तो खर्चा होगा ही, तो 50-60-70,000 खर्चा करके इतना आना मतलब बहुत है। तो अगर 90 KD सैलरी मिलता है तो वो लोग को ट्रांसपोर्टेशन और रूम ये मिलता है, खाने को नहीं मिलता है। बट अगर अच्छा कंपनी में, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में कितना देता है क्लीनर को, तो 190 KD देता है, और अभी तो थोड़ा बढ़ गया तो 190 पकड़ लो, मतलब मिनिमम 190 KD मिलेगा ही, 190 KD सैलरी मिलता है, और एक टाइम तो होटल में खाने को मिलता है, और ऐसा जो मतलब इंसेंटिव्स अगर टारगेट अचीव होगा तो उसको भी पैसा मिलता है, तो ऐसा पकड़ लो 225 तक तो आ ही जाता होगा अगर क्लीनर मतलब अपनी कंपनी की बात करो, अगर अपनी कंपनी में इतना आया तो इसलिए कभी भी आते टाइम ये सोच के मत आया करो यहाँ पे कोई क्लीनर ज़्यादा कमा रहे, तो ऐसा मत देखो जो हाँ ये भी कमा सकता है। बट गाइस यहाँ पे क्लीनर का बहुत बेहाल है, अगर क्लीनर में आ रहे हो तो कभी भी याद रखना जो क्लीनर मत आया करो, अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे सैलरी बहुत कम होता है, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना कम है, अरे वैसा आना मतलब 5-6 साल के बाद, यहाँ पे कैसा बंगाली कितना है मैं देखता हूँ, बंगाली लोग 4-3 साल के बाद घर जाता है, मतलब फिर भी छुट्टी नहीं देता है, 4-5 साल इतना लंबा करके रहने के बाद वो लोग जाते घर। तो जब भी आप आ रहे हो ऐसा अपने उधर से,
स्पेशली मैं इंडियन को बोलता हूँ जो अपना देश का है। तो भाई सब जब भी आप लोग आ रहे हो ऐसा क्लीनर में मत आया करो, दूसरा पोजीशन देखो, क्योंकि ये ऐसा मैं भी इंडियन देखा हूँ जो 90 KD सैलरी कमा रहा है, 100 KD कमा रहा है। और बांग्लादेश का तो छोड़ो, वो लोग का तो वापस के हिसाब से है, वापस उतना अच्छा नहीं है वो लोग का उधर। और अगर क्लीनर में आ रहे हो, और एक चीज़, अगर क्लीनर में आ रहे हो तो कभी भी अगर इंटरव्यू लेके आ रहे बंदा अपना यहाँ पे क्लीनर का, क्या डायरेक्टली वो लोग बांग्लादेश का जो है वो लोग का इंटरव्यू नहीं लेता है, डायरेक्टली वो लोग आ जाता है, मतलब कुछ इंटरव्यू नहीं, पैसा 6-7 लाख दिया डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, तो वैसा का आता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा होता है। अगर जेन्युइन कंपनी से आ रहे हो क्लीनर में तो सैलरी अच्छा रहेगा और उतना टेंशन भी नहीं रहेगा। तो क्लीनर कभी भी आते टाइम थोड़ा कंपनी देखा करो, और कंपनी देखने के बाद यहाँ पे वापस है जो वापस देखा करो अच्छे से, और यहाँ पे आने के बाद कंपनी अगर अच्छी हुई तो आप जल्दी तरक्की होगा। यहाँ पे कितना आदमी है क्लीनर में आने के बाद अभी शेफ बन के बैठा है, अपने जो अपने से भी ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। वही गाइस, अगर आ रहे हो तो थोड़ा देखो ऐसा क्लीनर में, मेरा तो यही मानना है क्लीनर में आया ही मत करो, दूसरा कोई पोजीशन लेके आयो तो अच्छा रहेगा। और कितना पढ़ाई का ज़्यादा चाहिए नहीं, वही 10 भी 12 भी रहेगा, 10 भी पास रहेगा भी तो नो प्रॉब्लम, आप आ सकते हो, अच्छा पोजीशन में आ सकते हो। सो गाइस बस यही, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, ओके बाय।